Good morning, children. I hope you all are safe at home. Today we are going to study the chapter seeds and seeds. हम इसमें जो है seeds के बारे में पढ़ेंगे. Seeds means बीजों के बारे में पढ़ेंगे. Gopal was waiting for his mausi's family to visit them. Gopal अपनी मौसी क्या wait कर रहा था क्योंकि उसकी मौसी उनके घर आ रही थी. And he was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. और वो अपने कजिन्स के साथ जो मस्ती करने वाला था उसके बारे में सोच के, जो उनके साथ खाना खाने वाला था उसके बारे में सोच के वो बहुत क्या हो रहा था, खुश हो रहा था. ओके, देन जस्ट हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी मदर ने उनको, मम्मी ने उनको बोला कि गोपाल सोने से पहले आप क्या करोगे, थोड़े से चने लेके दो कटोरी चने लेके आप उन्हें सोक कर दोगे वाटर में, मतलब उनको भिगा दोगे वाटर में. एंड सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. मीन्स फिर वो उसके बाद चली गई उसी की बुआ के घर, और उन्होंने कब आना था, सुबह में आना था फिर. ठीक है, एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, जैसी वो चना सोक करने लगा तो उसने सोचा कि इतने छोटे से कटोरी से कैसे आठ लोगों का हो पाएगा, है ना. एंड उसने क्या किया, उसने दो की जगह चार कटोरी चने सोक करने रख दिए. ठीक है, सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी मदर आई तो उन्होंने देखा चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, जिस बर्तन में गोपाल ने चने भिगो के रखे थे उसमें से क्या हो रहे थे, चने ऊपर को फ्लो ओवर कर रहे थे. एंड हिज मदर आस्क हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितने चने भिगाए. सो एंड हाउ डिड दैट हैपन, मीन्स ये कैसे हुआ. ये देख के गोपाल भी खुद क्या हो रहा था, सरप्राइज हो रहा था, ओ माय गॉड मैंने कितने चने भिगा दिए, मैंने तो थोड़े से भिगाए थे बट ये काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी फूल चुके हैं. मीन्स यू सोक्ड टू मच ऑलवेज, एनी वे इट इज़ गुड, उसकी मदर ने कहा आपने बहुत ज़्यादा भिगा दिया लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगी हाफ को अपना कुक कर लूँगी और बाकी बचे हुए का हाफ का स्प्राउट बना दूँगी जिसको मैं आपकी आंटी को भी दे दूँगी, क्योंकि उनको किसने बोला है, डॉक्टर ने बोला है कि आप क्या करिए स्प्राउट्स खाइए. डू यू नो बेटा स्प्राउट्स आर वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस. देन सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन वेट क्लोथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. उन्होंने क्या करा फिर, उसकी मदर ने चने लिए और एक वेट क्लोथ लिया, मींस एक गीला कपड़ा लिया और जो भीगे हुए चने थे उनको उसमें टाइड अप करके हैंग कर दिया. देन अब उसमें नेक्स्ट डे जो है स्प्राउट्स निकलेंगे, एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द सीड, जो सीड से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, दैट मीन्स सीड जो है वो स्प्राउट हो चुका है. सो कैन यू टेल मी व्हाट थिंग्स आर यू सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई, कौन कौन सी थिंग्स होती हैं जिनको हम घर में भिगो के और फिर उनको कुक करते हैं. हम आपकी मामा भी दालें बनाती हैं ना, हम चना हो गया है ना, एंड मूंग दाल, ड्राई पीस, राजमा, सोयाबीन, ऑल द पल्सेस मीन्स जो मोटी और हार्ड होती हैं, एंड राइस एक्सेट्रा, ये जो हैं आप इनको क्या करते हैं पानी में सोक करते हैं और इनको हम क्या करते हैं फिर यूज़ करते हैं कुक के लिए. फिर क्यों करते हैं, मीन्स क्या कारण है उसके पीछे, रीज़न क्या है, हम इसको सोक करके क्यों करते हैं, हम जस्ट इनको सीधे चढ़ा के क्यों नहीं उबाल लेते हैं. बिकॉज दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, सोकिंग के बाद क्या हो जाता है, जो भी आपका सीड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसके कारण जो है इट इज़ मच ईजियर टू ग्राइंड देम, उनको ग्राइंड करना भी बहुत ईजी हो जाता है एंड उनको वेसल दे के कुक करना भी बहुत अच्छा, बहुत ईजी हो जाता है. एंड ये क्या करता है, इट हेल्प्स
इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी. हमारा जो है टाइम भी बचाता है और हमारी गैस भी बचाता है. सो दैट्स व्हाई वी सोक द सीड्स बिफोर कुकिंग. द नेक्स्ट, व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ मच टाइम डज इट टेक? आप क्या चीज स्प्राउट के बाद खा सकते हो और कैसे वो स्प्राउटेड हो जाते हैं? जो अभी आपको मैंने ऊपर समझाया ना कि सीड्स को हम क्या करते हैं, सोक में पानी में सोक कर देते हैं रात भर के लिए. आप उसको लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए और उसके नेक्स्ट डे उनको निकाल के किसी गीले कपड़े में बांध के रख दो और फिर क्या होता है, स्प्राउट्स निकल जाते हैं नेक्स्ट विद इन अ डे एंड विद इन टू डेज. सो हाउ मच टाइम डज इट टेक, वही मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे वो कितना टाइम कौन सा चीज़ लेती है. देखो जैसे हम क्या करते हैं, वीट, चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, मींस स्प्राउट के बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, अधिकतर घरों में जो है चना और मूंग का ही स्प्राउट खाया जाता है. सो वी दे आर सोक्ड इन वाटर ओवर नाइट एंड देन द वाटर ड्रेन्ड आउट एंड देन दे कैप्ट इन अ बास्केट इन अ वेट क्लोथ एंड हैंग दम फॉर अ टू डेज एंड यू कैन टेक देम फॉर वन डे. ओके, मतलब हम जो है बीजों को क्या लगाते हैं, पानी में भिगो के फिर उसको ओवरनाइट छोड़ के और पानी को ड्रेन कर देंगे, फिर उनको टांग देंगे किसी वेट क्लोथ में. और दैट्स वाई हम टांग क्यों रहे हैं उनको, बिकॉज दे कैन गेट एयर. उनको क्या मिलेगी, एयर मिलेगी. अब वो पूरे पानी में डूबे हुए नहीं रहेंगे और वो थोड़े से नरम हैं, गीले हैं, पूरे फूल चुके हैं और अब वो क्या लेंगे, थोड़ी सी एयर लेंगे. ठीक है, जो सीड्स हैं वो एयर लेंगे और फिर उसके बाद उसमें से स्प्राउटेड सीड बन जाएगा. ओके, चना टेक्स अबाउट 36 आवर्स टू 48 आवर्स एंड मूंग टेक्स अबाउट 24 टू 36 आवर्स टू स्प्राउट. जो चना दाल है वो थोड़ा और हार्ड होती है तो वो 2 दिन करीबन ले लेती है या 3 दिन करीबन ले लेती है, लेकिन जो मूंग दाल होती है वो लगभग 1 दिन या लगभग दूसरे दिन तक वो स्प्राउट हो जाती है. हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू ईट स्प्राउट एंड व्हाई? क्या आपको कभी किसी डॉक्टर ने या किसी और ने कभी बोला है कि स्प्राउट्स खाइए और क्यों? यस, डॉक्टर्स हमेशा आपको एडवाइस करेंगे कि आप स्प्राउट्स खाइए. ठीक है, एंड बिकॉज स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस. स्प्राउट जो है वो आपकी किडनी के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल और बहुत अच्छा होता है. ओके, नाउ डू दिस एंड फाइंड आउट. डू यू रिमेंबर इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स? नाउ ट्राई एन अनदर वन. आपने 4th क्लास में भी कोई ना कोई एक्टिविटी करी होगी सीड्स के साथ. अब हम सीड्स के साथ एक एक्टिविटी करेंगे. ओके, क्या एक्टिविटी करेंगे हम? हम सीड को स्प्राउट करना सीखेंगे, कैसे वो स्प्राउट होते हैं. टेक सम चना इन 3 बाउल्स और पता करेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. मीन्स जो सीड है वो डब्बे में पैक होता है ना, क्या वो अपने आप ही स्प्राउट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, थोड़े से चने लेंगे और 3 बाउल्स लेंगे. ठीक है, एंड फिर हम 3 बाउल्स को क्या कर देंगे, एक साथ रख देंगे एंड पुट सम 5 चना इन फर्स्ट बाउल. जो आपका फर्स्ट बाउल, उसमें हम थोड़े से चने डालेंगे और पानी डालेंगे. एड वाटर टू द फर्स्ट बाउल एंड देन सेकेंड बाउल. उस सेकेंड बाउल में भी हम चने डालेंगे और एक डैम्प क्लोथ डालेंगे, मीन्स एक कॉटन का पीस डालेंगे और थोड़ा पानी सोक करने के लिए उसमें डाल देंगे ताकि वो जो कॉटन है हल्की सी गीली रहे. और थर्ड वाले में हम क्या सीड्स डालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे. देन हम एब्जॉर्ब करेंगे आफ्टर 2 डेज एंड नोट द चेंज इन द बाउल. हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इस एक्टिविटी को जो आपने अभी करी है. ठीक है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत इजी है, इसको अच्छे से आप
घर पे देख सकते हो कि कैसे सीड्स को स्प्राउट किया जाता है. एंड आफ्टर टू डेज आप क्या देखोगे, आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या बाउल वन में एयर जा रही है. आप इन तीनों को क्या कर दोगे, ढक दोगे किसी बड़ी से प्लेट से या किसी बड़े से ढक्कन से, उसको ढक देंगे. और फिर आर द सीड्स गेटिंग एयर एयर इन बाउल वन. बाउल वन में तो सारा आपने पानी में नीचे डुबा दिए हैं, नीचे डुबा दिए माने पानी में हवा आपकी नहीं जा रही है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नो लिखा हुआ है मतलब नहीं जा रही है, क्योंकि उसमें पानी में डूबे हुए हैं, नीचे पानी में भीगे हुए हैं, नीचे भीगे हुए हैं मीन्स वो स्प्राउट नहीं हो पाएंगे. पानी जब तक रहेगा हमको पानी ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है. पानी जब तक पानी में डूबे रहेंगे आप देखेंगे उसमें कभी भी स्प्राउट नहीं निकलेंगे. द सेकेंड बाउल है जो उसमें थोड़ा सा कॉटन और हल्का सा पानी है, मीन्स थोड़ा सा चना पानी भी सोख रहा है और उसको क्या मिल रही है, थोड़ा सा खुला खुला भी है, उसको एयर भी मिल रही है. तो यहाँ पे एयर मिल रही है और थर्ड वाले में भी एयर मिल रही है. आपको पता है कि थर्ड वाला बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, ना उसमें वाटर है ना कॉटन है, कुछ भी नहीं है. आर द सीड्स गेटिंग वाटर बाउल वन में, हाँ यस उसको पानी मिल रहा है, यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक है. और ना लाइक दिस यहाँ पे आप यस लिख देंगे, ओके. और इन बाउल टू, बाउल टू में भी वाटर है, यस यहाँ पे भी हम यस लिख देंगे. बट बाउल थ्री में पानी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे. व्हाट चेंज डिड यू सी, आपने बाउल वन में क्या चेंज देखा, हमने कुछ भी चेंज नहीं देखा, तो नो चेंज, ओके. बाउल टू में हमने क्या देखा, चेंज देखा है ना, क्या चेंज देखा कि वो स्वेल्ड अप हो गए हैं, ओके. स्वेल्ड अप हो गए, स्वेल्ड अप हो गए हैं मीन्स यस स्वेल्ड अप हो चुके हैं इसमें, ठीक है. चेंज देखा हमने इसमें. और लास्ट वाले में सूखा चना है तो वो सूखा ही रहेगा, उसमें ना वाटर है ना कॉटन है ना एयर है, कुछ भी नहीं है. हैव द सीड्स स्प्राउटेड मीन्स आपका जो बीज है वो बाउल वन में क्या स्प्राउटेड हो चुका है, वो तो भीगा हुआ है पानी में है ना, केवल वो क्या हुआ है फूला हुआ है, मीन्स वो स्वेल्ड अप हुआ है, ठीक है. एंड उसको कोई भी स्प्राउट नहीं निकले हैं उसमें, तो हम उसे क्या कर देंगे, नो इसमें कोई भी स्प्राउट नहीं निकले. एंड द सेकेंड बाउल, सेकेंड बाउल में यस इसमें बिल्कुल निकले हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी में डूबा हुआ नहीं था, उसने पानी सोखा और जो है वो क्लोथ पे पड़ा हुआ रहा, मीन्स उसको एयर भी मिलती रही, पानी पूरा पानी में नहीं डूबा था, तो एयर और वाटर उसको मिलता रहा, इसलिए क्या हो गया स्प्राउट निकल गया और थर्ड वाले में कुछ भी नहीं हुआ, ओके. देन टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, दूसरे वाले में और बाकियों में आपने क्या डिफरेंस देखा. हाँ हमने इसमें डिफरेंस पहले ही देख लिया, बिकॉज जो हमारा पानी और एयर वाला बाउल है उसमें स्प्राउट आ गए हैं, जिसमें केवल पानी पानी है, पूरा डूबा हुआ है बीज, तो उसमें बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं आए, केवल स्वेल्ड अप हुआ. और थर्ड वाले में आपका कुछ भी चेंज नहीं आया, जैसे सीड आपके डब्बे में पड़े हुए थे वैसे ही सीड वहाँ पे पड़े हुए हैं. व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन डैम्प क्लोथ, क्यों उसकी मदर ने जो है गीले कपड़े पे जो है चने को बांधा होगा, कैन यू इमेजिन, क्यों हमारे सीड को एयर और वाटर की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ एयर और वाटर की जरूरत पड़ती है हमारे सीड को स्वेल्ड अप होने और स्प्राउट होने में, ठीक है. सो इन द बाउल थ्री में देयर वॉज नो वाटर बट एयर, एयर तो थी लेकिन वाटर नहीं था, केवल एयर से ही नहीं हो सकता है कि आपके स्प्राउट आ जाएं, और केवल वाटर भी नहीं हो सकता कि आपके स्प्राउट आ जाएं, ठीक है. सो आपने क्या देखा, सीड्स को क्या चाहिए होता है स्प्राउट होने के लिए, मतलब जब उसमें से स्प्राउट निकलता है उसके लिए आपको एयर और वाटर की जरूरत होती है. सो वाई द गोपाल्स मदर, ओके ये हमने आपको बता दिया. देन हम आते हैं सीड स्ट्रक्चर पे, ओके.
सीड स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड जो है वो पानी में फूलता कैसा है। सीड के सामने, सीड के बाहर से एक लेयर होती है, ठीक है, उस लेयर को हम सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट होता है मींस उसके बाहर से क्या होता है, सीड कोट होता है, और वो सीड कोट उसके अंदर दो क्या होते हैं फिर कॉटिलीडन्स होते हैं। लाइक आप कभी देखते हो, आप जब भी कभी चने को या किसी चीज़ को खोलो तो उसके अंदर दो फलियां सी निकलती है ना, कभी राजमा के दाने को देखना, उसमें दो फलियां निकलेंगी और बाहर से एक पतली सी झिल्ली जैसी निकल जाएगी, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, उसको हम सीड कोट कहते हैं, और जो उसके दो फल अंदर के जो फलक होते हैं उन्हें हम कॉटिलीडन्स कहते हैं, ठीक है। और एक साइड जो है हमेशा आप देखते हैं छोटा सा कट पड़ा होगा, उसमें हमेशा अंदर हम अगर ऑब्जर्व करें विद अ लेंस तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी लीव्स और स्टेम और रूट का शेप बना होता है जो बाद में आपका पूरा ट्री बना देता है। ओके, सो आपने आज ये पढ़ा कि सीड्स को स्प्राउट कैसे किया जाता है, और इसके लिए एक तीसरी चीज और नोटेड हो सकती है, मीन्स जो है सीड को वाटर एयर तो चाहिए ही, लेकिन गुड टेम्परेचर भी चाहिए। अगर आपका, अगर हम इस बाउल को फ्रिज के अंदर रख दें, ठंडा कर दें, तो क्या वो निकल पाएंगे बाहर, नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमने इसको टेबल पे रखा और इसको करके दिखाया, मींस इसको जो है थोड़ा सा वार्म्थ एनवायरनमेंट, मींस थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर या थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है, ताकि ये ह्यूमिडिटी और ऐसे ऐसा वेदर चाहिए जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हो, अच्छा टेम्परेचर हो, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते रहेंगे। आप चने लेंगे और पहले बाउल में पानी डाल देंगे, फिर थोड़ा सा एक कॉटन का पीस लेंगे और उसमें भी पानी डाल देंगे ताकि कॉटन भी वेट हो जाए, भीग जाए। और तीसरे बाउल में आप कुछ भी नहीं लेंगे, उसमें केवल आप केवल चने डाल देंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों के तीनों इनको हम ढक देंगे, ओके, एंड देन हम दो दिन बाद देखेंगे कि ओनली जो बीच वाला बाउल है उसी में केवल स्प्राउट्स निकले हैं, जो पहला है उसमें स्वेल हो गए हैं सीड्स, और जो लास्ट वाला है थर्ड उसमें कुछ भी नहीं हुआ।